दोस्तों बिहार डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो चलिए किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो जानते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड लॉगिन प्रॉब्लम, ये क्यों आ रहा है, इसको किस प्रकार से हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड सक्सेसफुली किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। अगर दोस्तों आपने भी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए फॉर्म भरा था, अगर आपको भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए, तभी जो है आपको अब पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करके किस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पे चले आना है। इस पेज पे आने के लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है publictime.in और जो आपको पहला लिंक दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको publictime.in का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आइएगा लेटेस्ट अपडेट में आपको यहाँ पे दिखेगा बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड 2024, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा तो आपको एक पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। इस पोस्ट में आपको टोटल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर के जानकारी दिया गया है। साथ ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक पे चले आना है और यहाँ पे आपको फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप डाउनलोड करने के पेज पे चले आइएगा। तो आपको एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने का यहाँ पे तिथि बताया गया कि आप 23 मार्च 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चर डाल देना है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे सारा डिटेल डाल देने के बाद भी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं और यहाँ पे कैप्चर डाल करके लॉगिन करते हैं, तो उसको जो है कुछ यहाँ पे इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप जो डिटेल डालते हैं, जो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, वो पहले आप मिला लीजिए जो आपके पास रिसिप्ट होगा या फिर जो आपको एप्लीकेशन नंबर का मेल आया होगा या मैसेज आया होगा उसे मिला लीजिए कि वो सही है। वो सही है तो आप डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं डाल रहे होंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको कुछ इस प्रकार से डालना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार है 23 अप्रैल 2006 तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ही डालना है। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले यहाँ पे डेट डालना है, उसके बाद डैश डालना है, उसके बाद जो है आपको अपना मंथ डालना है, फिर डैश डालना है, फिर जो है आपको यहाँ पे अपना ईयर डालना है। यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉग इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपका जो है एडमिट कार्ड आपके सामने में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे इनवैलिड लॉग इन के बारे में। अगर आप इतना कुछ अगर कर लेते हैं तो आपको इनवैलिड लॉग इन नहीं आना चाहिए। अगर तब पर भी अगर आपको इनवैलिड लॉग इन आता है तो आपको किस प्रकार से फिर डाउनलोड करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लॉग इन पे क्लिक करते हैं। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा जस्ट ही यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड जो है जस्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपका आवेदन संख्या, यहाँ पे रोल नंबर, आपका नाम, माता का नाम और यहाँ पे परीक्षा की तिथि, आपका परीक्षा कब है, यहाँ पे परीक्षा का समय और यहाँ पे आपको उपस्थित कब होना है और यहाँ पे आपको एक फोटो लेकर के जाना है जो कि यहाँ पे आपको चिपकाया जाएगा। पूरा इंस्ट्रक्शन इसका नीचे दिया गया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, कैसे एग्जाम में जाना है, वो इस एडमिट कार्ड के नीचे में जो है यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको इनवैलिड लॉगिन आ रहा है तो अपना प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, चलिए पहले वो समझ लेते हैं। अगर दोस्तों कुछ आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप लोगों को इनवैलिड लॉगिन बता रहा है तो आप लोगों को क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है आप लोगों को मिला लेना कि आपका एप्लीकेशन नंबर सही है या फिर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आप सही से डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और अपना कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल आ रहा है, अगर आपको इनवैलिड लॉगिन आ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है एक बार इस पर मेल कर देना है और या फिर आपको हेल्प डेस्क पे नंबर पे फोन लगता है इनको पहले एक कंप्लेन कर देना है। आप ईमेल पे एक कंप्लेन कर डाल दीजिए और उसके बाद आपको वेट करना है।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अपना डाल करके अगर इनवैलिड लॉगिन आ रहा है तो आप कुछ ट्रिक लगा करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, बस एक मेल डाल दीजिए अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ, आप अपना नाम, पिताजी का नाम डाल करके एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, एक मेल कर दीजिए इनके विभाग को, ताकि उस पर जाँच कर सके। और उसके बाद जो है आपको थोड़े देर के बाद यानी कि आज या कल बीच में एक दो बार आकर के चेक कर लेना है। उसके बाद जो है अभी जो है ये सर्वर नया आया है, इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप मेल कर दीजिएगा, उसके बाद एक दो बार आकर के चेक कीजिएगा, तो आपका जो है हो जाएगा डाउनलोड। इसलिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपका डाउनलोड तो होना ही, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है डीएलएड का तो आपका एडमिट कार्ड तो आपको मिलेगा ही। इसलिए आप लोग परेशान ना हो और अपना एडमिट कार्ड थोड़ा देर बाद आकर के चेक करते रहिए। जैसे ही दोस्तों इस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो मैं आपको एक वीडियो बना करके और जानकारी दे दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो आप लोग वेट ही कीजिए और कुछ ना कीजिए, आप लोग वेट कीजिए थोड़ा देर, और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा देर के बाद आकर के चेक करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।